ओम शांति। आपका प्रश्न है, शंकर द्वारा विनाश कैसे होता है? अब हम बाबा भी विनाश शब्द कभी कभी यूज करते हैं और कभी कभी कहते बच्चे विनाश नहीं परिवर्तन होता है। शंकर द्वारा भी शंकर का काम विनाश करना है, कभी कहेंगे शंकर का गुप्त रोल है। क्यों गुप्त रोल है? क्योंकि शंकर अशरीरी है, शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब साकार पाठ बजाकर प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ बजाने के बाद, क्योंकि ब्रह्मा का रोल तो पूरे 100 वर्ष का है ना, स्थापना में परिवर्तन का सारा कार्य आता है। स्थापना में केवल आत्माओं को तैयार करना नहीं, स्थापना में प्रकृति को भी तैयार करना। स्थापना में वहां की सारी व्यवस्था करनी है। अब नई व्यवस्था करनी है तो पुरानी व्यवस्था को हटाना भी तो पड़ेगा ना। बिना पुरानी व्यवस्था को हटाए नई व्यवस्था तो कायम नहीं कर सकते ना। पहले प्लानिंग करते हैं कि कैसी नई व्यवस्था बनेगी और कैसे उस पुरानी व्यवस्था को हटाया जाएगा। ऐसे तो नहीं कि चलो बम चलाओ, मिसाइल चलाओ, सब आग लगाओ, भूकंप आओ, बाढ़ आओ, सब हो और आत्माएं कहाँ जाएंगी? आत्माओं के परिवर्तन का जो समय है वो कहाँ जाएगा? इसलिए आत्माएं अपनी तैयारी कर रही हैं, व्यवस्था चल रहा है। प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए, सफाई करने के लिए भी प्रबंध चाहिए ना। फिर सतयुगी नई सृष्टि पालना का, सृष्टि की रचना का भी कार्य अभी करना है ना। एकदम वहां आकर के तो नहीं सोचेंगे कि मकान कैसे बनाए, महल कैसे बनाए। उनकी सारी प्लानिंग, उनकी सारी व्यवस्था यहीं पर पहले ही तैयार करनी, क्योंकि सृष्टि खत्म नहीं होनी है, सृष्टि में परिवर्तन होना है। एक तरफ मकान गिराना है, साफ करना है, फिर उस पर व्यवस्था भी करनी है। इस सृष्टि परिवर्तन का जो भयानक रूप होता है वो एक सेकंड में वो स्टॉप होता है। एक साल के लिए वो रुकता है। सिर्फ आत्माओं के लिए, कि एक साल के लिए ये आत्माएं परमधाम में रहती हैं। उस समय, उस एक साल के अंदर ये सारी सृष्टि एकदम प्योर हो जाती है। 4999 साल का ड्रामा इस रोल पर, इस स्टेज पर चलाने के लिए एक साल इसको साफ करने के लिए लगता है। जिसमें प्रकृति की सारी सफाई होती है, सब कुछ वेल सेट होता है। ये परिवर्तन केवल पृथ्वी पर नहीं होता है, ये बात याद रखनी है कि पूरे यूनिवर्स में होती है।
चाहे कितनी सौर गंगाएं हैं, सौर परिवार हैं पूरे यूनिवर्स में, ये परिवर्तन होता है। तभी ड्रामा पूरे यूनिवर्स का एक साथ चलता है। जहां आज हम जिन तारों को देख रहे हैं 5000 साल बाद, तभी वो तारे हमें वहां दिखाई देंगे, तभी हम लिखेंगे, तभी हम औरों को बताएंगे कि वहां ये तारा दिखाई दिया, वहां ये तारा दिखाई दिया, वहां ये ग्रह दिखाई दिया, वहां ये चीज है, वहां ये चीज है, वहां ये चीज है। तभी वो देखेंगे, तभी वो लिखेंगे, नहीं तो कैसे लिखेंगे। उन्होंने वही लिखना है जो 5000 साल पहले लिखा था। तो शंकर के द्वारा विनाश की, परिवर्तन की सारी तैयारियां करना, ये भी ब्रह्मा बाबा की आत्मा का रोल है, ये किसी और आत्मा का रोल नहीं है। जैसे वीरेंद्र देव दीक्षित कहते हैं मेरा रोल है, मैं हूं शंकर, मेरे को शिव के साथ मिला दिया है, मेरा आकार नहीं है, उनका आकार नहीं है, तुम्हारा शरीर तो बैठा है ना। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि शंकर अशरीरी दिखाया है, उसका शरीर नहीं है, इसलिए दुनिया वालों ने उसकी आकृति भी ना अंगी बनाई है, बिना अंगों वाली बनाई है, नंगा दिखाया है उसको, उसे वस्त्र नहीं पहनाए। उन्होंने समझा बिना अंगों के है नंगा है, परंतु अब हमें समझ में आया बिना अंगों के है सूक्ष्म शरीर वाला। और सारी व्यवस्था करना, कहाँ से बम्प चलेंगे, कहाँ से मिसाइल चलेंगी, कैसे व्यवस्था होगी, कैसे परिवर्तन होगा, ये सारा कुछ। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा कि एडवांस पार्टी की आत्माएं विशेष इस प्रोग्राम में लगे हैं कि ऐसी ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे सहज शरीर छोड़कर घर को जाए जल्दी से जल्दी। तो शंकर का रोल इस प्रकार से व्यवस्था का है, सारी व्यवस्था आप उसको विस्तार से समझ सकते हैं। फिर भी और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी केंद्र से संपर्क करें, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो 921-06-986 पर व्हाट्सएप करें। ओम।